Hello students, today we learn about the chapter numbers and numeration. तो previous classes में हमने क्या पढ़ा था, class third में हमने देखा four digit numbers के बारे में. सबसे smallest number four digit number का कौन सा था, 1000. 1000 क्या था, सबसे small number. और greater number कौन सा था, 9999. देखो फोर डिजिट है इन सब में, 1 2 3 4. इसमें भी देखो 1 2 3 4. तो ये सब कौन से हैं, फोर डिजिट नंबर. अब देखो द फोर प्लेसेस इन फोर डिजिट नंबर आर. तो इन फोर डिजिट नंबर के अंदर जो चार प्लेस होते हैं वो प्लेस कौन कौन से हैं, 1, 10, 100 and 1000s. तो जब भी हम नंबर को रीड करते हैं टेंस और वंस में, तो देखो क्या रहता है कि हमें ये काउंटिंग है वो आती है 1 to 100 तक. लेकिन 100 कौन सा हो जाता है, थ्री डिजिट नंबर हो जाता है. टू डिजिट नंबर तक कौन सा है, 99. तो इन सबको हमें रीड करना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो इस तरह से हम काउंट करते हैं. लेकिन 100 आते ही क्या करते हैं, हम उसे 100 बोलते हैं, उसके बाद में ये नंबर्स को रीड करते हैं. और थाउजेंड्स वाले डिजिट जुड़ने के बाद थाउजेंड्स को भी हम उसमें बोलेंगे. जैसे कि देखो एक एग्जांपल है, ये नंबर 2 4 6 5. तो इसमें 6 और 5 को तो मैं क्या बोलूंगा, 65. लेकिन उसके नेक्स्ट कौन है, 4. तो अब मैं 4 6 5 को एक साथ तो बोल नहीं सकता, कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं कि मैं इसे एक साथ बोलूं. लेकिन इसके साथ मैं क्या जोड़ूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, 100. तो 4 के जस्ट बाद मैं लिखूंगा 100 और इसको तो मैं बोलता हूं क्या, 65. लेकिन आगे 2 और है, तो 2 कौन से प्लेस पे है, 1s 10s 100s 1000s. तो इसे मैं क्या बोलूंगा, 2400 और ये तो क्या है, 65. तो इसे हमें इन्हें नंबर के नेम्स लिखने हैं वर्ड्स में. तो इसे भी आप लिखोगे थाउजेंड्स और हंड्रेड्स यूज करके, और इस नंबर को भी आप लिखोगे किस में, वर्ड्स में. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर. हमें नंबर बताना है कि ये कौन कौन सा नंबर है. तो ये बॉक्सेस यूज हुए हैं, इसमें देखना हमें यहाँ कितने बॉक्स यूज हुए हैं, 3. यहाँ पे ये 2, यहाँ पे सिंगल बॉक्स, फिर यहाँ पे एक ये प्लेट है और ये प्लेट है. यहाँ 2 प्लेट्स यूज हुई हैं, यहाँ पे 2 प्लेट्स और ये एक सिंगल बॉक्स. तो हमें इसे लिखेंगे 1. ये कितनी प्लेट है, 2. तो ये 2, ये प्लेट्स कितनी है, 2. तो ये भी 2. यहाँ प्लेट कौन सी है, सिंगल प्लेट है, तो ये 1. यहाँ प्लेट कितनी है, 2. तो ये 2 और यहाँ 3 प्लेट बॉक्स, तो ये 3. नेक्स्ट आपको इसी तरह से इसको लिखना है. यहाँ है राइट द नंबर्स, आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, इसे किसमें लिखना है, हमें नंबर्स में. तो 4000, 4000, थाउजेंड मीन्स, थाउजेंड्स क्या होता है, फोर डिजिट. फोर डिजिट क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट तो हमने लिख दिया 4, थाउजेंड से पहले कौन है, 4. तो 4 हमने लिख दिया, उसके बाद कितना, 3 डिजिट है वो बाकी रह गया. तो बाकी रहने जगह कौन सा लिखेंगे, 400. तो 400 मीन ये 4, 100 में भी हमने 4 है वो लगा दिया. अब लास्ट में कौन है, 7. और हमें चाहिए कितनी, 2 डिजिट चाहिए, लेकिन सिंगल वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे तो ओनली 7. तो 7 को हम 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 07. इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ओनली वंस है, 7 है वो ओनली वंस है, और टेंस इसमें एक भी यूज नहीं हुआ है.
अब 5075 तो लिख दो, 5000 थाउजेंड आते ही क्या हो जाएगा कि 4 डिजिट का नंबर है ये 5000, थाउजेंड में कौन है 5, फिर 75, 100 वाला वर्ड आया ही नहीं तो 100 यहाँ पे है ही नहीं तो 0, लास्ट में कौन है 75, 75 कैसे लिखते हैं 7575। अब यहाँ पे हमें साइन यूज करने हैं, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन एंड इक्वल टू, तो इन दोनों नंबर्स में से कौन नंबर बड़ा है तो वहां हम ग्रेटर देन और लेस देन साइन यूज करेंगे। ये साइन का मीन्स है कि ग्रेटर देन, जो नंबर फर्स्ट नंबर जो बड़ा होगा तो हम ये साइन यूज करेंगे, और फर्स्ट नंबर अगर छोटा है तो हम ये साइन यूज करेंगे, और इक्वल टू साइन जब दोनों नंबर एक जैसे हो तो हम उसे इक्वल टू कहेंगे। यहां हमें बताना है प्लेस वैल्यू, जो जो नंबर राउंड किए हुए हैं उनकी हमें प्लेस वैल्यू है वो बतानी है। तो एक एक्सरसाइज देखो, ये एग्जांपल 4, उस पर राउंड किया हुआ है, उसकी प्लेस वैल्यू हमें बतानी थी। तो यहाँ पे क्या है कि 4, ये वंस, 4 कहाँ आया है टेंस में, तो 10 में सिंगल जीरो यूज होता है, हंड्रेड्स में डबल जीरो और थाउजेंड्स में 30 यूज होते हैं। तो 4 टेंस की पोजीशन पे है, तो यहाँ 4 और टेंस का 0 0, तो ये हो गया 40, और लास्ट में कौन है 2, तो ये 42। इसी तरह से 1 7 4 7, 7 पे राउंड है, पोजीशन देखो कौन सी है, ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड, तो 7 कौन सी पोजीशन पे है, थाउजेंड की पोजीशन पे, तो थाउजेंड में कितने जीरो रहते हैं 30, तो ये क्या हो गया 7000। नेक्स्ट आपको ये होमवर्क है वो कंप्लीट करना है। इसी तरह से राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ये कौन सी है एक्सपेंडेड फॉर्म है नंबर की, हमने इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखा है, हर प्लेस वैल्यू के डिजिट को हमने अलग अलग करके लिखा है, 2000 को अलग, 400 अलग, 50 अलग और 6 अलग, तो हम इसे एक साथ कैसे लिखेंगे, ये 2456, तो मैं यहां लिखूंगा वंस में कौन है 6, वंस में कौन है 6। अब देख लो यहां वंस में 6 है, यहां 0, यहां 0, यहां 0, बाकी सब जगह 0 है, तो इसका मतलब बाकी जगह कुछ नहीं है, सिर्फ वंस में कौन है ओनली 6। टेंस में देखो यहां कोई टेंस नहीं है, यहां एक है कौन 5, यहां टेंस क्या है 0, यहां भी टेंस क्या है 0। अब देखो थर्ड डिजिट 100, तो यहां पे सिंगल डिजिट ही है, ये डबल डिजिट है, यहां 3 डिजिट है हमारे पास, तो यहां थर्ड डिजिट कौन सी है 4, और यहां थर्ड डिजिट 0, तो थर्ड डिजिट कौन सी आएगी हमारे पास 4, और लास्ट कौन है 2, वो कौन है थाउजेंड्स में, तो इस तरह से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, द प्रेडिसर ऑफ 4000 इज, तो प्रेडिसर मींस होता है क्या कि नंबर से जस्ट बिफोर नंबर कौन सा आता है उसे हम कहते हैं प्रेडिसर, और आफ्टर नंबर कौन सा है वो होता है सक्सेसर। तो 4000 से पहले नंबर कौन आता है 3999, ये किससे पहले आता है 4000 से पहले, तो हम इसे कहेंगे प्रीडिसर क्या हो जाएगा इस नंबर का, वो इससे जस्ट पहले, जस्ट मींस एक कम उससे बस, और सक्सेसर क्या उससे जस्ट एक ज्यादा, तो 5270 का सक्सेसर कौन हो जाएगा 5271। नेक्स्ट है होमवर्क के लिए,
अब है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, आपको ये डिजिट दिया हुआ है इनसे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों डिजिट में जो सबसे बड़ी डिजिट है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी और सबसे लास्ट में सबसे छोटी डिजिट, तो वो हमारे कौन सा नंबर बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखो कौन है, 9 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 8, फिर 4 और फिर 0। तो ये बन गया ग्रेटेस्ट नंबर, किन से, इन चार डिजिट से हमने क्या बनाया, ग्रेटेस्ट नंबर, जो कि कौन सा है, 9840। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, पहले 0, फिर 4, फिर 8 और सबसे लास्ट में 9। मींस सबसे पहले स्मॉल नंबर, फिर थोड़ा लार्ज, और उसके बाद में सबसे लास्ट में सबसे लार्ज नंबर है वो लिखेंगे। तो यह बन जाएगा हमारे स्मॉलेस्ट नंबर, इसे हम क्या रीड करेंगे, 489। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे। फिर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम मींस आपको सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल नंबर है वो आप ढूंढ के इनको यहाँ लिखोगे, फिर उससे नेक्स्ट बड़ा नंबर, फिर नेक्स्ट वो नंबर, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में। तो आज के लिए हमारा होमवर्क है वो आप नोट कर लो, जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो, और जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो आपको खुद से करने हैं। थैंक यू।